नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल ताकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2021 का दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला जाना है, लेकिन दोस्तों इस बार इन दोनों टीमों के बीच एक अलग ही रोमांच देखने को मिलेगा हमें। जहां एक तरफ सरेश अय्यर के चोटिल होने के बाद दिल्ली कैपिटल की कप्तानी अब ऋषभ पंत के हाथों में सौंप दी गई है, तो वहीं पर दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी होने वाले हैं, यानी कि एक टीम इंडिया के पूर्व विकेट कीपर तो एक टीम इंडिया के वर्तमान विकेट कीपर आमने सामने होने वाले हैं। इससे भी बड़ी रोमांचक बात यह रहेगी कि एक गुरु और चेला एक दूसरे के आमने सामने होगा। तो दोस्तों इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में क्या होगी महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11। तो दोस्तों दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल की हर एक बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। अगर MS धोनी और ऋषभ पंत को एक दूसरे के आमने सामने देखने का इंतजार आपको भी है तो दोस्तों आईपीएल में वैसे तो दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा अब तक भारी रहा, लेकिन इस बार आईपीएल में कुछ अलग देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि इस बार विकेट कीपिंग के साथ साथ कप्तानी करते हुए नजर आएंगे एक तरफ ऋषभ पंत और दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी। वैसे ऋषभ पंत महेंद्र सिंह धोनी को अपना आदर्श मानते हैं और उनको अपना गुरु मानते हैं, तो वहीं पर महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर क्या यह चेला पारी पड़ पाएगा या फिर एक बार फिर गुरु पारी पड़ेगा चेले के ऊपर, ये देखना बेहद ही रोमांचक होगा। तो दोस्तों दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा 10 अप्रैल को शाम के 7:30 पर और ये मुकाबला खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। इस मुकाबले को आप लाइव देख सकेंगे स्टार स्पोर्ट और हॉट स्टार VIP पर। तो चले दोस्तों अब हम बात करते हैं दोनों टीमों के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली कैपिटल की। तो दिल्ली कैपिटल पिछली बार शानदार परफॉर्मेंस किया था और फाइनल तक पहुंची थी, हालांकि फाइनल में ये टीम मुंबई इंडियंस के सामने मुकाबला जीतकर चैंपियन नहीं बन पाई थी, लेकिन इस बार इस टीम के पास एक बार फिर बेहतरीन मौका रहेगा। लेकिन इस बार दिल्ली कैपिटल को आईपीएल शुरू होने से पहले ही बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल के कप्तान सरेश अय्यर आईपीएल 2021 से बाहर हो चुके हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबले में फील्डिंग के दौरान उनके कंधे में चोट लगी थी, जिसके बाद वो पूरी तरह से आईपीएल से बाहर हो गए। इसके बाद यहाँ पर बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली कैपिटल ने ऋषभ पंत को कप्तान बनाया। हालांकि इस टीम में स्टीव स्मिथ, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गज खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन फिर भी बड़ा फैसला लेते हुए यहाँ पर ऋषभ पंत को विकेट कीपर बनाया है। वैसे दोस्तों इस टीम की बात करें तो इसमें कई दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं जो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं टीम के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा निगाहें इस बार एक बार फिर शिखर धवन, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों के ऊपर रहेगी, जिनके पास बेहतरीन परफॉर्मेंस करने का मौका रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऋषभ पंत की कप्तानी को देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार वो किस तरह की कप्तानी करते हैं। वैसे इस टीम में शिखर धवन, स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी मौजूद है जो शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और साथ ही साथ अजिंक्य रहाणे भी एक बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं पर दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स। तो ये टीम भी काफ़ी मजबूत हो चुकी है आईपीएल 2021 में। टीम के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद है। टीम में रॉबिन उथप्पा, सुरेश रैना जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी के बाद अब इस टीम में एक नया रंग है। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑक्शन में शानदार खिलाड़ियों को खरीदा था, जिसमें हम बात करें यहाँ पर मोइन अली और कृष्णप्पा गौतम दो बेहतरीन ऑलराउंडर इस टीम ने शामिल किए थे, जो कि दोनों टीम के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यानी कि पिछले साल के खराब परफॉर्मेंस के बाद कुछ बदलाव जरूर किए हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने, और इन बदलावों के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ अलग करके दिखाएगी चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स व चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को उम्मीद होगी महेंद्र सिंह धोनी के शानदार परफॉर्मेंस की, जैसा परफॉर्मेंस उन्होंने आईपीएल 2020 में किया और टीम ने भी कुछ वैसा ही किया। लेकिन इस बार महेंद्र सिंह धोनी कुछ अलग करने वाले हैं और इसकी उम्मीद की जा रही है कि वो बेहतरीन पारियां खेलेंगे टीम के लिए और साथ ही एक बार फिर से टीम को प्ले ऑफ में लेकर जाएंगे, क्योंकि एकमात्र ऐसा साल था 2020 जब टीम प्ले ऑफ में नहीं पहुंची थी। वहीं पर चले दोस्तों अब हम जानते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11। तो हम सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल की। तो दिल्ली कैपिटल पहले मुकाबले में ओपनिंग जोड़ी के तौर पर शिखर धवन और पृथ्वी शॉ के साथ उतरने वाली है। दोनों बल्लेबाजों के पास काफ़ी शानदार अनुभव है और टीम के लिए बेहतरीन पारियाँ खेल सकते हैं। तो वहीं पर नंबर 3 पर उतरने वाले हैं अजिंक्य रहाणे, जिनका परफॉर्मेंस उम्मीद है कि बेहतर होगा। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 4 पर उतरने वाले हैं स्टीव स्मिथ,
पहली बार दिल्ली कैपिटल के लिए खेलते हुए नजर आएंगे स्टीव स्मिथ और उम्मीद है कि यहां पर दिल्ली कैपिटल के मिडिल ऑर्डर को वो मजबूत करेंगे। वहीं पर दोस्तों इसके बाद दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत उतरने वाले हैं नंबर 5 पर। ऋषभ पंत यहां पर टीम के लिए बेहतर फिनिशर के तौर पर उतरना चाहेंगे क्योंकि वो काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं, हालांकि वो ऊपर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। वहीं पर इसके बाद नंबर 6 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर उतरने वाले हैं मार्को स्टोइनिस। टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं मार्को स्टोइनिस। तो नंबर 7 पर उतरेंगे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल भी फिलहाल काफ़ी शानदार फॉर्म में हैं। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 8 पर रविचंद्रन अश्विन उतरने वाले हैं। तो वहीं पर नंबर 9 पर टीम की तरफ से उतरने वाले हैं एंड्रिक नॉर्चे। तो वहीं पर 10 पर उतरेंगे कंगिसो रबाडा और नंबर 11 पर ईशांत शर्मा हमें खेलते हुए दिखेंगे। यानी कि दिल्ली कैपिटल की टीम एक मजबूत टीम नज़र आ रही है इस बार भी आईपीएल 2021 में। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की। तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास इस बार कई ऐसे खिलाड़ी मौजूद है जो प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे ओपनिंग जोड़ी की। तो इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की ओपनिंग जोड़ी में हमें 3 बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद है जो दिख रहे हैं, जिसमें यहाँ पर 5 डुप्लेसिस मौजूद है, रॉबिन उथप्पा मौजूद है और साथ ही ऋतुराज गायकवाड़ मौजूद है। लेकिन पहले मुकाबले में हम यहाँ पर प्लेइंग 11 की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ या फिर रॉबिन उथप्पा में से कोई एक खिलाड़ी हमें खेलते हुए दिखेगा, तो वहीं पर के साथ होंगे फेफ डुप्लेसिस। इसके बाद नंबर 3 पर सुरेश रैना उतरने वाले हैं। तो नंबर 4 पर उतरेंगे अंबाती रायडू। वहीं पर इसके बाद नंबर 5 पर महेंद्र सिंह धोनी दिखेंगे। तो नंबर 6 पर दिखने वाले हैं रविंद्र जडेजा। वहीं पर इसके बाद नंबर 7 पर सैम करन हमें खेलते हुए दिखेंगे। तो नंबर 8 पर दिखने वाले हैं मोइन अली। वहीं पर इसके अलावा टीम की तरफ से 9वें खिलाड़ी की बात करें तो वो डीजे ब्रावो होने वाले हैं, जबकि 10वें खिलाड़ी के तौर पर सरदोल ठाकुर खेलने वाले हैं और नंबर 11 पर उतरने वाले हैं इस टीम की तरफ से दीपक चहर। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस बार काफ़ी मजबूत लग रही है और अभी भी इस टीम के पास कई ऐसे खिलाड़ी बेंच पर बैठे रहेंगे जो प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं, यानी कि इस बार इस टीम के पास कई ऑप्शन मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देखने के बाद आपको क्या लगता है कौन सी टीम बाजी मारेगी, ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल या फिर महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स? आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।